नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है। गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बिजौरा के ग्राम पंचायत सिंगार चोट के मौजा साहिबागंज में रात के समय घर में खाना बना रही महिला से अचानक गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। बता दें कि घर के लोग व आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत चौकी प्रभारी बिजौरा विश्व मोहन रॉय को दी। चौकी प्रभारी सूचना पाकर तुरंत पुलिस टीम के साथ हादसा होने वाले स्थान पर पहुंचकर सिलेंडर बुझाने में स्वयं जुट गए। मिट्टी बालू आदि के प्रयास करने पर सिलेंडर बुझाने में किसी तरह से आग को काबू पाया गया। बता दें कि बिजौरा चौकी प्रभारी विश्व मोहन रॉय पुलिस टीम के साथ अपनी हिम्मत व सूझबूझ से किसी तरह से आग पर काबू पाने में सफल रहे। इसी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं गांव के लोगों द्वारा चौकी प्रभारी के हिम्मत की प्रशंसा की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस इसी तरह कार्य करती रहे तो बड़े से बड़े हादसे होने से बचाए जा सकते हैं। चौकी प्रभारी विश्व मोहन रॉय ने लोगों को आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया, साथ ही आग पर काबू पाने की जानकारी दी। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक बाल्टी पानी ला, इकट्ठे ले लो, ले आधा पानी है, फिर मारो, तुरंत मारो। अरे क्या बाल्टी लेकर तार फेंकबो, वो तसलवा खींच लो, दुनिया से है तसलवा, तसलवा वो है, रोहित खींचो। एक जाकर ये फोटो बताई। सर, आपके चौकी क्षेत्र सिंगारजोत में रात को एक गैस सिलेंडर को आग लगने से घटना घटित होने से बची है, जिसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ग्रामीणों ने कहा, आपने कैसे आग पर काबू पाया? सूचना गांव से हम गश्त में थे, बॉर्डर पे मौजूद थे सिंगारजोत, तो सूचना आई जारी दूरभाष, पता चला कि घर में आग लग गई है। कल्लू जोगी है, उस घर में जो है सिलेंडर में आग लग गई है, और बुझाने को सब कोशिश करने के बाद पुलिस को फ़ोन किए, तब तक आग काफ़ी बढ़ गई थी। घर के अंदर कुछ लोग थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और सब डरे समय थे, और बाहर से लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। फिर सूचना पर मौके पर पहुंचा, वहां देखा कि जो है जो बाहर निकलने वाले जीट है वहीं पे वो सिलेंडर पूरा जल रहा था, काफ़ी आग बढ़ गई थी। तो फिर ग्रामीणों से मदद के लिए बुलाया, कुछ लोगों को लेकर बालू और मिट्टी को लेकर जो है, और सिलेंडर की जब आग थोड़ी कम हुई खींच के बाहर कराया गया। उसके बाद जो है सिलेंडर को धीरे धीरे खींच के बाहर करा के जो है या गाँव के बाहर उसको डिस्पोज कर दिया गया। मैंने बड़ी घटना होने से बच गई, काफ़ी लोग अंदर जो थे वो भी लोग राहत की सांस लिए। सर, इसे आप क्या और आगे आने वाली घटना में क्या आप बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? कैसे लोग सतर्क हैं? जो भी सिलेंडर रखे हैं सबके लिए वो है सब, वो ग्रुप पर भी चला दिया हूँ मैं। उसके बाद भी जो है अक्सर हम लोग प्रोग्राम भी करते रहते हैं कि आग लगी है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक आग जलती रहती है तब तक फटने का बहुत डर नहीं रहता है। तो उसमें भीड़ इकट्ठा करके नहीं, दो तीन लोग अगर समझदारी तरीके से काम करें तो जो है उस पर जूट का बोरा लपेटने के लिए आता है, बालू फेंकने के लिए आता है, और गांव स्तर पर प्रधान को भी मैं कल बताया कि जो है आप एक वो आग बुझाने वाला जो आता है उसको रख लिए, एक दो रखे रहें, जिससे किसी घर में कोई कैजुअलिटी होती है तो तत्काल जो है सहायता हो सके, बड़ी घटना हो जाने से पहले उस पर नियंत्रण किया जा सके।